हेलो एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप सब बच्चा लोग वीकेंड बिन चल रहा होगा सैटरडे टाइम है सभी लोग फुल ऑन एक्साइटमेंट में बिजी बिजी होली पोस्ट होली सेलिब्रेशन चल रही है आप सबकी बट फिर भी पढ़ाई तो करनी जरूरी है सो आई एम हियर आपकी प्यारी पूजा मैम आ चुकी है अपने सारे वॉरियर्स की पढ़ाई और अच्छी करने के लिए सो वेलकम हेलो हाय स्वागत है आप सभी का सो so, बताइए कैसे हैं आप सब आवाज आ रही है मेरी आप तक पहुंच पा रही है ऑडियो वीडियो भी कंफर्मेशन दे दो यस हेलो 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 हाय यस बहुत ही बढ़िया आवाज आनी तो चाहिए भाई यस yes, बहुत ही बढ़िया हेलो थैंक यू सो मच अमन शर्मा थैंक यू यस ऋषभ कहिएगा जरा क्या कहना चाह रहे हैं आप बहुत ही बढ़िया मैम आपने होली खेली नहीं यार मैंने तो होली नहीं खेली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है हो होली खेलना मैंने हाँ मुझे वो वाली प्यारी होली नहीं होती पैर छू के आशीर्वाद लेके टीका लगा के हैप्पी होली वाली वैसी होली पसंद है और आ, हाँ जल्दी टाइम इज इंपॉर्टेंट एप्सोल्यूटली यस वेरी बहुत सही बात कही एक बच्चे ने टाइम इज इंपॉर्टेंट क्या हालचाल पूछ रहे बच्चे बहुत बढ़िया भाई वेरी गुड नाइस ऑल एप्सोल्यूटली फिट एंड फाइन थैंक यू सो मच जैसिका थैंक यू एवरीबडी सो दीक्षा ने भी कंफर्मेशन दे दी है कि परफेक्टली ऑडिबल और विजिबल सो मेरी तरफ से आप सभी को वेरी 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 हैप्पी हैप्पी होली कल जो रंग आपकी जिंदगी में भरे थे वही प्यारे प्यारे रंग जिंदगी भर खुशियों वाले रंग आपकी लाइफ में रहे सक्सेस आपको मिले इसी गुड विश के साथ प्यारे प्यारे बेस्ट विशेष के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं क्या आज का जो लेसन है वो है द हैक ड्राइवर जी हाँ सही सुना आपने लेसन का नाम है द हैक ड्राइवर सो बच्चों ड्राइवर हैक ये क्या चीज है बेटा गाड़ी के ड्राइवर को या फिर कैब ड्राइवर को भी हैक ड्राइवर भी कहते हैं क्लियर पहले नाम क्लियर हो गया लेसन का द हैक ड्राइवर इज नथिंग बट दी कैब ड्राइवर क्लियर एवरीबडी और एक चीज ये जो लेसन है बढ़िया मजेदार सा है यहाँ पे ना तीस मार खान एक जी हाँ सही सुना है कौन मैन है एक तीस मार खान कौन मैन या फिर हम लगाओ बेवकूफ बनाने वाला ठगने वाला जो व्यक्ति होता है इस तरह के एक इंसान की कहानी आज हम देखने वाले हैं कुछ बुरा इंटेंशन नहीं है उसका गलत आदमी नहीं है वो पर हाँ थोड़ा सा चालाक है तेज है तो जानते हैं कौन है ये आदमी क्या तेजी ये करता है वट एग्जैक्टली इज नो ओके बोर्ड बूस्टर वाले बच्चे यहाँ पर है रमजान अली नीम वाला बच्चा भी यहाँ पर है बहुत बढ़िया यार वेरी नाइस टू सी दिस यस पवन खुशवा कैसे हो आप वेरी वॉम इवनिंग बिल्कुल थैंक यू सो मच प्रपोजल समझ नहीं आया इससे आसान लेसन ही नहीं है बेटा कोई प्रपोजल का वीडियो देखो एक बार बहुत ईजी है तीन लोग हैं जो ऐसे ही थोड़ा दिमाग उनका खिसका हुआ और वो लड़ाई करते रहते हैं आखिर में रिश्ता पक्का हो जाता है किस बात पर लड़ाई करते हैं देख लो कौन कौन वो लोग हैं देख लो और लास्ट में क्या हुआ इजी है रे चिंता मत करो लेक्चर देखो सब ठीक है यस जैसिका ने तो नाम भी ले लिया है बंदे का वेरी गुड यार ऑल इवर लुटकिन स्पेलिंग भी ठीक लिखी है बच्चों ने बहुत ही बढ़िया वेरी गुड सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ऑल इवर लुटकिन क्या कर रहा है एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा है क्या ओलिवर लुटकिंस ही हमारा नरेटर है नहीं नहीं ओलिवर लुटकिंस नरेटर नहीं है तो कौन है चलिए जानते हैं शुरू करते हैं तो आज पता है क्या होने वाला है पहले तो इस पूरे लेसन को डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे सारी मेन मुद्दे की बात समझ लेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर टाइम जी हाँ क्वेस्ट टाइम पूजा मैम तो होना ही चाहिए है ना तो आज के सैटरडे को और बढ़िया बनाने के लिए ये तो पता चले कि ये लेसन कितना आता है सो आज का प्लान सभी के लिए क्लियर है पहले लेसन कंप्लीट करेंगे और फिर सवाल ओके एवरीबडी यस ओके लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड उज्जवल कुमार यस वेरी गुड सभी बच्चों का नाम लेना इम्पॉसिबल है बट मेरे दिल से आपके दिल तक प्यारा सा हाय हेलो एक स्वीट सी स्माइल एंड यू नो वट लेट्स बिगेन सो बच्चों हमें अब करना है ये हैक ड्राइवर को प्रॉपरली हैक ड्राइवर कौन है इस लेसन में और कौन कौन है ये हमें जानना है ड्राइवर तो एक बंदा जो ड्राइवर है वो तो है ही है वो जो कि है ऑलिवर लुटकिन में बेटा यहां पर ना एक काले कोट वाला भी है लॉयर वो ना क्लर्क की तरह ज्वाइन हुआ है वहाँ पे तो जनरली बेटा लॉयर का क्या काम होता है कोर्ट में केस लड़ना पर बेचारे इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी इसको पता क्या काम दे दिया गया था इसको बोला था कि तुम्हें जाके ना समन देना है समन देना पता है नोटिस देना पड़ता है You are understanding, notice दे के आना पड़ता है और वो काम अच्छा नहीं होता नोटिस किसको देना पड़ेगा क्रिमिनल्स को या फिर बुरे लोगों को या फिर विटनेसेस को तो ना इसको अलग अलग जगह जाना पड़ता था कभी कभी ऐसी जगह भी जाना पड़ता था, कभी नहीं जाना चाहता so, परेशान था ये अपने काम से। कौन है ये, ये है हमारा क्लर्क सो so, बेटा इससे पहले कि मैं शुरू करूं इस क्लर्क की बातें जान लीजिए कि ये लेसन लिखा है शॉर्ट स्टोरी राइटर है ठीक है फर्स्ट अमेरिकन राइटर है जिन्होंने नोबेल प्राइज अचीव किया है बहुत सारी फेमस बुक्स भी इन्होंने लिखी है वैसे तो लेसन में के के राइटर राइटर जो एग्जाम है ना ज़्यादा नहीं पूछते बट फिर भी एक होना चाहिए फाइन यस yes. बिल्कुल तुषार चौहान पूजा बढ़िया है। you know पता चल जाएगा सवाल जब पूछूंगी और बाकी रिवाइज तो हम कर ही रहे हैं लेसन को चलिए तो so, बेटा नरेटर जो हमारे हैं वो स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ठीक है उस बंदे ने जो नरेटर है ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ज्वाइन करी देखो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन ही स्टार्टेड वर्किंग विद फेमस लॉ फॉर्म इन द सिटी तो ये जो बंदा मैं कह रही थी क्लर्क जो लॉयर बनना चाह रहा है है ना तो लॉ की पढ़ाई की ग्रेजुएशन कंप्लीट की और क्लर्क लग गया है क्या काम मिला है असिस्टेंट क्लर्क का और जैसे कि मैंने कहा वॉज नॉट वेरी हैप्पी बेचारा अपने काम से ज्यादा सा खुश नहीं है होता है ना बेटा कभी कभी कुछ लोग जो काम कर रहे होते हैं वो जबरदस्ती हो रहा होता हैप्पी फाइन यस उज्वल इज फ्रॉम उमंग बैच हो ग्रेट यार नाइन्थ की भी चीजें पढ़ रहे हो आप नाइस टू दिस बहुत ही बढ़िया ग्रेट चलिए अब बेटा बच्चे कुछ लोग मजाक भी कर रहे हैं कि नो यार आवाज तो आनी चाहिए ठीक ठाक हाँ मजाक तो नहीं कर रहे एक बार थम्सअप दे दो मुझे हाँ अब बच्चे तो रिप्लाई भी कर रहे हैं वे डरा रहे मुझे आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज आप तक ना पहुंचे ऐसा हो ही नहीं सकता पूरी सेटिंग बिठाइए रहे हाँ चलिए ये जो हमारा क्लर्क है बड़ा ही ना खुश है दुखी सा है अपने काम से तो ये दुखी आदमी निकल पड़ा है अगले काम के लिए ठीक है काम क्या होता है इसका सर्विंग द समन्स जैसे कि मैंने कहा जैसे समन सर्व करने होते हैं समन का मतलब जानते हो जो नोटिस होता है घर पे जो नहीं आता वकील के यहां से नोटिस आया सब घबरा जाते हैं वही वाला समन हाँ खुश क्यों नहीं है नौकरी से इसीलिए खुश नहीं है क्योंकि जब वो समन देने जाता था ना तो ना वो जगह अच्छी नहीं होती थी वो लोग अच्छे नहीं होते तो थोड़ा सा ना हार्ड सिचुएशन उसे देखने पड़ते थे क्या करने पड़ते थे हार्ड सिचुएशन ओके सो ना वन डे एक दिन इसको अभी जो अभी हमारी हैक ड्राइवर की एंट्री भी तो होनी है तो एक दिन इसे काम मिला क्या काम मिला वन डे ही गॉट द टास्क ऑफ सर्विंग समन्स टू तो इसे काम दिया गया कि जाके समन देना है किसको हमारे हैक ड्राइवर जो कि है ऑलिवर लुटकिन अभी तो हमें नहीं पता वो हैक ड्राइवर है अभी के लिए ऑलि लुटकिन को समन देने इस बंदे को ये काम दे दिया है क्यों किस बात के लिए ही वॉज ए की विटनेस इन सम केस ये जो हमारा ऑलीवर लुटकिन है ना बेटा ये की विटनेस है किसी केस का बताते हैं ना बेटा गुनहगार को सजा दिलाने के लिए सबूत की जरूरत होती है विटनेस की गवाह की जरूरत होती है और इस बंदे को गवाह बनाना था ओलिवर लुटकिंस को गवाह बनने विटनेस बन के वहां पर जाना था तो उसके लिए समन देना था हमारे क्लर्क को ओलिवर लुटकिंस को सो so, क्लियर है ये बंदा जो हमारा असिस्टेंट क्लर्क है इसे जाना था ओलिवर लुटकिंस को समन देना था किस बात का समन विटनेस बनने का समन ओके दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछेंगे कि ये क्यों गया था वहां पर विटनेस के लिए समन देने ओलिवर लुटकिंस को क्लियर अब भाई कहां जाना है कहां रहता है वो ही लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन नेमड न्यू मिलियन ये जो ओलिवर लुटकिन है न्यू मिलियन नाम के गांव में रहता था क्लियर एवरीबॉडी बताइए अभी तक के लिए सारी बातें ठीक है यस क्विकली कंफर्म इट टू मी यस यस बहुत ही बढ़िया ओके वेरी गुड विवेक वेरी गुड इंग्लिश रिटर्न टेस्ट में फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी कैसे लाएं प्लीज बताओ बताते हैं तुषार प्रॉपरली सारा सिलेबस दिमाग में अगर अपने फिट हो जाए ना पहले तो कंटेंट अपना स्ट्रांग हो जाए फिर हम रिटर्न प्रैक्टिस करके जो दिमाग में है वो लिख पा रहे हैं कि नहीं चेक करना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी ठीक है वेरी गुड पंकज भट्ट बधाई हो बेटा आपको यस न्यूटन्स वैक ने कंफर्मेशन दे दिया मीना यादव अंश तिवारी बहुत बढ़िया वेरी गुड यू हैव गिवन मी द कन्फर्मेशन दैट मुद्दे की बात यह है कि असिस्टेंट निकला है जो अपना असिस्टेंट क्लर्क है ये बंदा निकल पड़ा है देने को समन कहाँ पर न्यू मिलियन गाँव में किसको ऑल ओवर लुटकिन को इस बात का विटनेस बनने का अभी तक क्लियर है ये बात और ये जो बदना अपना असिस्टेंट क्लर्क ये बहुत दुखी है अपने काम से फाइन नेक्स्ट अब नरेटर सोचा नई जगह जाऊँगा कभी कभी इंटरेस्ट आता है ना यार नई जगह नया शहर छोटा सा गाँव सा था बट वो एक्साइटेड था देखने के लिए एक न्यू प्लेस

उसकी अपियरेंस बहुत डल थी ऐसे पुरानी पुरानी दीवारें मतलब ऐसे नहीं ज्यादा पेंट भी नहीं कर रखा और वुडन के स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए तो कुछ खास था नहीं है ठीक है सो आस पास देख के इसको कुछ ज्यादा मजा सा आया नहीं ऐसे सुंदर हरियाली टाइप्स नहीं था सो आई डेंट लाइक दिस विलेज एक्साइटमेंट पूरा खत्म भोंदू सा लगा उसे अब क्या हुआ देखा आसपास ठीक नहीं लग रहा उसे तो अब एक चीज एक इंसान को उसने देखा और उस उसका ना मतलब बोलते हैं बत्ती जल गई या खुश हो गया वो देखो कैसे ही ड्राइवर स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म हु वेरी चीयरफुल एंड नाइस कभी कभी ना बेटा दूर से ही कुछ लोग दिख जाते हैं ऐसे ना खुश खुश से ऐसे ना लगता है जैसे बहुत सारे लोगों में एक बंदा निखर के सामने आता है निकलता है एक्सप्रेसिव होता है खुश लग रहा है तो ऐसा ही बंदा एक मिला हमारे बंदे को असिस्टेंट क्लर्क को जब वो ट्रेन से उतरा प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म पर ऐसे उसको अजीब सा लग रहा था गंदा गंदा सा बट अचानक से उसने एक बंदे को देखा जो काफी खुश लगा और वो ना टैक्सी ड्राइवर था कौन था वो टैक्सी ड्राइवर सो so ऑब्वियसली बंदा ऐसे इंसान के पास जाएगा ना जो एक्सप्रेसिव हो खुश हो तो ये भी चला गया उसके पास ठीक है डिलीवरी मैन भी था ठीक है तो ये बंदा उन्होंने देखा देखते हैं आगे क्या होगा ही ही वेंट अप टू 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 हिम हिम एंड एंड अबाउट लिटकिंस एज वाज न्यू द टाउन वांटेड फाइंड तो ये बंदा इसके क्या काम था ओलिवर लिटकिंस को ढूंढना था तो सीधा गया उस ड्राइवर के पास जो बंदा उसे ठीक लगा और पूछा ओलिवर लिटकिंस कहाँ है पता है तुम्हें मुझे उससे काम है ऐसे उसने जाके पूछ लिया इसको ऐसे उसे जाकर पूछ लिया अब आगे क्या होगा ठीक है देखते हैं क्या होगा लेट्स फाइंड आउट इमराना मुमताज बेटा पर ना कुछ मुश्किल चीज ही नहीं है बहुत आसान है एक आदमी दूसरे आदमी को ढूंढ रहा है किस कारण से ढूंढ रहा है देने के लिए ढूंढ रहा है है क्लियर वो निकल पड़ा अपने काम से आ गया वो शहर जहां पे उसे ढूंढना है और वो शहर उसको बड़ा डल डल सा लगा पर एक आदमी उसको बड़ा ठीक लगा तो पहुंच गया उस आदमी के पास अपने काम निकलवाने के लिए पूछा ऑलिवर लुटकिन कहाँ है पता है क्या आपको पूछ लिया उस आदमी से अब देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा द ड्राइवर टोल्ड हेम दैट ऑलिवर वॉज ए नेस्टी मैन ये जो ड्राइवर था बोला ऑलिवर ये तो बड़ा तेज आदमी है नोटी है नेस्टी है नेस्टी मतलब जो खुराफाते करता रहता है ही इज अ वेरी नेस्टी मैन हु ओड डेड टू मेनी पीपल अरे वो वो तो बहुत सारे लोगों के पैसे लेके भागा हुआ है ऐसे कहता है कई लोगों के पैसे उसको वापस देने हैं ऐसे कहता है वो बंदा फाइन तो कहता है ही ऑल्सो कनिंगली एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लॉयर दैट ही नीडेड लुटकिन फॉर सम कोर्ट केस ये जो अपना बंदा था ना जो कि बिल है जो कि की लुटकिंस है जिसने पढ़ा है वो जानते हैं बट ये बंदा अभी के लिए जो हैक ड्राइवर है जो टैक्सी ड्राइवर है ये बहुत तेज है इसने क्या है निकलवा लिया असिस्टेंट क्लर्क से ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढ रहे हो आप क्या काम था उनसे उसने भी बता दिया कि काम क्या था केस के लिए समन देना था तो निकलवा लिया उसने मुद्दे की बात सोचो so, so एक आदमी पहली बार आपसे मिला है वो क्यों आया है किससे मिलने आया है है ना और क्या करने सारे रीजन उसने जान लिए हैं पहली ही मीटिंग में समझेगी नहीं चलिए अब आगे क्या होता है देखते हैं नाउ अवर हैक ड्राइवर स्पेज ओलिवर लुटकिंस को क्यों ढूंढ रहा है अब चलिए देखते हैं आगे क्या होगा हमारा अब अपना तर्रार दिमाग लगाता है और एक डील क्रैक करता है क्या डील है के बीच में एक क्रैक और डील क्या है सर्च फॉर लुटकिन वो बोलते हैं आइए मेरे साथ मैं आपकी मदद करता हूँ लुटकिन को ढूंढने में मुझे पता है लुटकिन का है? और ये बंदा अपना नाम बताता है Bill. I am Bill.

मेरी डायरेक्टली यस बिल मैगनुस बहुत बढ़िया अगरवाल कैसे हैं आप नाइस टू सी यू अगेन सो माय डियर स्टूडेंट ये जो बिल है ना तेज तर्रार, इसने हमारे असिस्टेंट क्लर्क को गाड़ी में बिठाया और बोला चलो मैं ढूंढने में निकल पड़ता हूँ अलग अलग जगह ले जा रहा है उसको घुमाया जा रहा है यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा, मिलेगा ऐसे ठीक है ये बंदा बोला मैं तुम्हें ढूंढने में मदद कर दूंगा ऑल लिटकिंस बड़ा इनाष्टी आदमी है पोकर में पैसे गवाता रहता है और लोगों के बड़े कर्जे में ये बंदा है फाइन समन विवेक कुमार बेटा जो कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है उसे समन कहते हैं ठीक है आई होप इट इज क्लियर नाउ यस सलीहा जबीन मैम हाय ड्राइवर वाज हिमसेल्फ ओलिवर लुटकिंस बिल्कुल सही कहा बेटा आपने बिल्कुल सही कहा पंकज बट पूछ रहा है आप कहां मिलेंगी पीडब्ल्यू पे ये कोई पूछने की बात है सो गाइस नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस फेलो इज़ ट्राइंग टू फाइंड Oliver लुटकन्स बिल इज ट्राइंग टू हेल्प him. तो क्योंकि जब कोई किसी की हेल्प करता है तो हम उससे खुश हो जाते हैं ना तो असिस्टेंट क्लर्क तो इस बिल से बड़ा खुश है कितना अच्छा आदमी है मेरी मदद कर रहा है कितना अच्छा मतलब लोग हैं यहाँ पर मैं यहाँ सेटल हो जाता हूँ वो जो वहाँ गंदा काम छोड़ के मैं यहाँ आ जाता हूँ ये इतनी भी प्लानिंग कर लेता है असिस्टेंट क्लर्क पर अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है कि ऑलीवर लुटकन्स उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ही ऑलवेज आवाज द लॉयर स्टे बिहाइंड अब ना ये जो हमारा हीरो है लुटकिंस ना दिमाग लगाता है और उसे कहता है यानी बिल कहता है कि ना आप आपको यहां कोई जानता नहीं है आप इसे सूट बूट में तैयार हो के आए हो तो लोग क्या पता तुम्हें घबरा जाए या सही जवाब दे ना दे मैं जाता हूं मैं पहले पूछ के आता हूं आप यहाँ पीछे खड़े रहना और अच्छा लगने लगता है बिल उसे कि वह कितना अच्छा आदमी है मेरे को सपोर्ट में मेरी तरफ से ये जा रहा है पूछने की ऑलिवर लुटकिंस का है तो हर जगह जहां भी ये जाते हैं ये बात याद रखना ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए बिल जाता है ना कि हमारा ये असिस्टेंट क्लर्क ये पीछे खड़ा रहता है पहले जाता है बिल जाके पूछता है ऑलिवर लुटकिंस यहाँ पर है क्या या फिर कहाँ है समझ रहे हो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात है जो याद रखनी है इसी बात पे पूरा लेसन टिका हुआ है कि डायरेक्टली ऑलिवर को ढूंढने के लिए बिल हमारे असिस्टेंट क्लर्क को जाने नहीं देता पहले वो जाता है हर जगह जहां जहां जाते हैं पहले वो जाएगा समझ गए आप बात को बेटा क्लियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अब देखते हैं वो लोग ऐसे ढूंढते ढूंढते कहां कहां जाते हैं दे गो टू फ्रिड्स टू कैच प्लेइंग पोकर सबसे पहले ना ये कहता है कि वो ना पोकर खेलता हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं वो ना पोकर में पैसे इधर उधर हारता रहता है का बड़ा शौक है तो पोकर खेलता हुआ मिलेगा तो फ्रिड्स एक दुकान है जहां पर बैठ के वो लोग पोकर खेलते हैं तो वहां पर चले जाते हैं इसको ढूंढने बट ही अब होता यह है फ्रिड्स के पास जाते बोले गुस्ताफ के शेव गया होगा ठीक है यहां से तो चला गया है ठीक है तो क्या पता चलता है पोकर एक गेम होता है सुनील शर्मा जैसे कार्ड्स का गेम होता है पोकर फाइन यस ग्रेट नाउ वट केयरफुल तो ना फ्रिज का यहां नहीं मिला शेविंग करवाने बार शॉप पे गुस्ताफ के यहां गया होगा ये अगली बात निकल के आती है तो पहले फ्रिड फिर गुस्ताफ की शॉप बार बार शॉप है वो और फिर देखो क्या हुआ एट गुस्ताफ दे एबल टू मीट हिम एंड वो टोल्ड दैट सॉ हिम एट द पूल रूम तो बेटा बात ये हुई गुस्ताफ के यहां भी वो नहीं मिला बोला कि वहां पे ना उसके पैसे वैसे रहते हैं तो वहां ये नहीं होगा नहीं मिला और वो कहीं और चला गया कोई पूल रूम की तरफ तो समझ रहे हो आप एक जगह से दूसरी दूसरी जगह से तीसरी फर्स्ट फ्रेड्स सेकेंड गुस्ताफ्स बार्बर शॉप थर्ड पूल रूम अलग अलग जगह पर यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं हियर ही समबड़ी सेट दैट ही लेफ्ट पूल रूम आफ्टर बाइंग सिगरेट्स यहाँ पर किसी ने बोला कि हाँ ये यहाँ से सिगरेट खरीदी थी इसने और ये चला गया यहाँ से समझ रहे हो आप तीन जगह ढूंढ चुके हैं और हमारा हीरो जो ऑल लुटकिंस को ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिला ठीक है ओके यस नाउ व्हाट हैपेंस अब ये जो बिल है ना लुटकिन के बारे में बताता है क्या बताता है पहले तो ये बोलता ना, है ना बड़ा नास्टी मैन है लोगों के पैसे वैसे लेता है भाग जाता है रिटर्न नहीं करता है आगे देखो एज अ कनिंग मैन क्या बोलता है ये बिल कहता है कि ना बड़ा ही कनिंग कनिंग पता है ना चालाक लोमड़ी होती है कनिंग फॉक्स कनिंग है ये बिल कहता है कि लुटकिन बड़ा ही कनिंग है एंड गेस दैट ही मस्ट हैव टू ग्रेस फॉर अ शेफ अब ये जो बिल बोलता है कि लुट कितना बड़ा तेज है गुस्ताफ के यहां उसके पैसे उधारी होंगे तो दूसरी जगह चला गया और दूसरी जगह कौन सी है ग्रे के यहां किसके यहां ग्रे ये भी बारबर शॉप है शेविंग करवाने के लिए ये वहां चला गया होगा ठीक है यस सो बेटा आप समझ रहे हो कहाँ कहाँ गया था ऑर्डर में याद रखना जरूरी है सो पूल रूम के बाद से बिल ने अपना ये दिमाग लगाया कि ये बंदा वहां पे मिलना चाहिए ग्रे की बारबर वाली शॉप पे इन द आफ्टरनून बिल ऑफर्ड हिम टू बाय लंच from हिज वाइफ एज इट वुड बी लेस कॉस्टली देन एट द रेस्टोरेंट अब बात ये बेटे सुबह से घूम रहे हैं लोग अभी तक मिला नहीं है ग्रे की शॉप पर भी नहीं मिला वो अब ना ये सोचता है कि मतलब लंच का टाइम है भूख तो लगेगी तो बिल ने ऑफर किया ऑब्वियसली बेटा जब लंच की बारी आती है तो ये जो अपना बंदा था ना असिस्टेंट क्लर्क इसको भूख लगी और इसने सोचा ये मेरी मदद कर रहा है मैं इसको पैसे भी दूंगा और इसको खाना भी खिला देता हूँ हम साथ में खाना खा लेते हैं तो बिल का आइडिया सुनो खाना मैं मेरी बीवी के यहाँ से बनवा के आपको दे देता हूँ सस्ता पड़ेगा रेस्टोरेंट <laughs> से तो सस्ता पड़ेगा तो बिल ने ऑफर किया सजेस्ट किया एक 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 अपनी तरफ से ऑफर दिया कि बाय लंच फ्रॉम हिज वाइफ एज इट वुड बी लेस कॉस्टली सस्ता पड़ेगा रेस्टोरेंट में जाके पैसे दे के, खरीद के जो खाओगे ना उससे अच्छा खाना और सस्ता खाना मेरी बीवी के यहाँ से मैं आपको मेरे घर से खिला देता हूँ उन्होंने क्या किया घर से खाना पिक किया और पता है कहाँ चले गए मस्त हिल के ऊपर व्यू सुंदर सा व्यू कौन से हिल पे चले गए वेट्स हिल कहाँ चले गए बेटा वेट हिल चले गए ये याद रखना कि कहा गए थे बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर में लिखना पड़ेगा दे हैड लंच एट भूलना मत कि उसके घर पे खाना नहीं खाया था घर से खाना पिकअप करके खाना खाया था वेट और वहां पे ना बेटा हिल के ऊपर तो फिर व्यू तो मजेदार होना ही है इट हैड अ वेरी अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस बहुत अच्छा सुंदर व्यू था वहां पे ठीक है और ये जो असिस्टेंट क्लर्क है ना पूरा फ्लैट पूरी तरीके से इंप्रेस हो गया था हमारे बिल से कितना अच्छा आदमी है अब ना उसे टेंशन ही नहीं है उसे ऑलिवर लुटकिन का ना सोच ही नहीं रहा ज्यादा ये ये इसको ठीक दोस्त बन गया इसका यहाँ पे ये है ना नहीं भी मिला तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं ऐसा हो गया था ये सो बाय द टाइम द क्लर्क वॉज टोटली बाय बिल्स इंप्रेस बाई बी नेचर फुल ऑन मस्त नेचर है यार दोस्त बन गया है खाना खिला रहा है बढ़िया व्यू दिखा रहा है यहाँ के लोगों के बारे में बता रहा है कूल रूम बेटा एक रूम होता है नाम से ही पता चल जाएगा हम्म hmm, yes, बहुत ही बढ़िया हाँ जोचना मिश्रा को सब पता है कि आगे क्या होगा है ना वेरी गुड खाना वाना खा लिया भाई ठीक है खाना खाने के बाद नेक्स्ट क्या है अब वो क्योंकि ग्रे की दुकान पे भी नहीं मिला शेव करते हुए तो अगला आइडिया देखना क्या है उसके घर चलते देखते हैं ही हैड इवन स्टार्टेड एक बात जरूर याद रखना बहुत जरूरी बात है कि जब ये इतना खुश हो गया था ना बिल के नेचर से तो इसने ये सोचा था हाई हैड इवन स्टार्टेड कंपेयरिंग विलेज पीपल टू सिटी पीपल ओके यहाँ के लोगों को कैसे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं यहाँ के लोग ज्यादा बेटर हैं ऐसे ना लोगों में कंपेरिजन करता है ये अपने वहां से जहां से आया है और यहाँ के लोग ठीक है ना अब लुटकिंस की जो खोज है जारी है क्योंकि लुटकिंस अभी मिला कहा है तो अगली इनकी डेस्टिनेशन होगी उसके घर लेटर ऑन दे वेंट टू सर्च फॉर लुटकिंस एट हिज मदर्स हाउस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स किसी से पता किया और ये निकल पड़े उसकी माँ के घर थोड़ा दूर था क्या था थोड़ा दूर था ठीक है यस अब भाई जब दूर होता है तो क्या करें है ड्राइवर बोलता है उसका घर थोड़ा दूर है चले ऑलिवर लुटकिन को ढूंढने तो ऑब्वियसली इसका तो काम ही यह था कि उसको तो ढूंढना तो था ही सो तो ये निकलेगा अच्छा एक कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं एक बार मैं बता देती तो हूँ एक बच्चा पूछ रहा है बोर्ड बूस्टर जरूरी है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है अगर आपने बहुत अच्छे से सब पढ़ लिया है ठीक है यू आर कॉन्फिडेंट देन गो फॉर इट अपने हिसाब से कर लो आप पर अगर आपको लगता है कि मेरे को एक प्रॉपर रिविजन प्लान चाहिए रोज का काम चाहिए कोई पूछने वाला चाहिए कोई पढ़ाने वाला चाहिए मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ आई नीड सम्बड़ी ऑन माई हेड मतलब क्या होता है बटे एक रिवाइज शेड्यूल है एक बढ़िया तरीके से टाइम टेबल बना हुआ पूरा हमारे साथ कर लोगे ना तो यूं जैसे मैंने जैसे चुटकी बजा रही हूं वैसे पेपर हो जाएगा पर तुम क्या है बोर्ड बूस्टर ज्वाइन ना करो खुद पर पूरा भरोसा रखो पांच दिन छह दिन मेहनत करो और फिर लटक जाओ फिर नहीं हो पा रहा है मैम मुझसे नहीं हो रहा वो है कुछ बच्चों को ना एक पुश की जरूरत होती है जिस जिस बच्चे को एक पुश की जरूरत है एक प्रॉपर टाइम टेबल की जरूरत है एक शेड्यूल बनाने की जरूरत है और जो बच्चे ये काम खुद से नहीं कर पाता है उनको बोर्ड बूस्टर ज्वाइन करना चाहिए और जो बच्चे समझदार हैं उन्होंने ठीक ठाक कर रखा है वो अपने हिसाब से रिविजन प्लान बनाकर उसे फॉलो कर सकते हैं दे कैन गो फॉर इट इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन न्यू माइडिया स्टूडेंट्स ठीक है यस ओके माइडिया स्टूडेंट्स अब लेट हो गया है मैम संजीव कुमार देख लेना भाई दोबारा पूरा लेसन पढ़ाने तो दे ठीक है असिस्टेंट क्लर्क आया ओलिवर लुटकिंच को ढूंढने बिल ने उसकी मदद की ओलिवर लुटकिन को ढूंढने पांच जगह अलग अलग जगह लेकर गया नहीं मिला फिर लंच टाइम हो गया लंच खा लिया फिर एक और नई जगह निकल पड़े अगली जगह जो थी वो उसके घर थी उसकी मम्मी के यहाँ पे ठीक है यस ग्रेट तो अब मम्मी के यहाँ चलते हैं देखते हैं वहां जरूर मिलना चाहिए ये अब ये बोलता है ये लेडी देखो क्या हुआ देर द लेडी वॉज हॉर्बल एंड हरीडली प्लेसन रॉड और वहां पे जो हुआ वो सोचा ही नहीं जा सकता उसकी मदर ना ऑलिवर लुटकिंस की माँ तो माँ है तो फिर तेज तो होगी मतलब वो सोचो कि वही जाके पूछ रहा है कि ऑलिवर लुटकिंस कहा है उसकी मम्मी बड़ी तेज थी उसने ना डंडा लेकर उनके पीछे पड़ गई इन्होंने ढूंढने की कोशिश की इधर उधर कोशिश की वो नहीं मिला वहाँ पर बट ऑलि लुटकिंस की जो माँ थी ना डंडा आयरन रॉड लेके पीछे पड़ गए उनके भागना पड़ा इनको बेचारों को ठीक है तो माँ के घर जाने का एक्सपीरियंस तो बहुत ही गड़बड़ साबित हुआ क्योंकि ओलिवर लुटकिन से मिला नहीं मार पड़ते पड़ते बाल बाल बचे बेचारे ये दोनों समझ रहे हो आप सो फाइनली बात ये है दिस फेलो इज स्टिल नॉट फाउंड ऑलिवर लुटकिन अभी तक नहीं मिला भाई उसके घर पे भी नहीं मिला तो अब देखो एट लास्ट द लॉयर हैड टू लीव सर्विंग समन्स टू लुटकिंस तो बेटा उसकी ना शाम की दोबारा वापस ट्रेन पकड़ के उसको जाना था तो शाम हो गई अब शाम हो गई तो इधर ही थोड़ी बैठा रहेगा तो उसको शाम की ट्रेन से वापस जाना था और ये बात अपने बिल ने उससे उगलवा ली थी तो शाम तक इसको टरकाता रहा टरकाता रहा घुमाता रहा और अब बात ये हुई कि वो नहीं मिला तो बिना समन ये ही निकल पड़ा ये वापस सो तो जिस इरादे से आया था असिस्टेंट क्लर्क न्यू मिलियन वो इरादा बिल्कुल अटर फ्लॉप हो गया है ना वो बंदा तो मिला ही नहीं अब देखते हैं आगे क्या हुआ जब वो वहां गया वापस अपने जगह असिस्टेंट क्लर्क तो उसे बहुत डांट पड़ी वो केस भी मतलब ये बंदा गया नहीं तो वहां दिक्कत हो गई और इसे बड़ी शर्म आई कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं मेरी वजह से ये सब हो गया ठीक है और बहुत डांट पड़ी नेक्स्ट डे ही वॉज कोल्डेड बैडली बाय हिज चीफ बहुत डांट पड़ी और फिर बोला दोबारा जाओ जब लेके आओ वापस उसको ऑलिवर लुटकिन को साथ में एक बंदा लेके जाओ जो जानता है ऑलिवर लुटकिन कौन है तो बात यह है दोबारा सर्च जारी है और इस बार ये अकेला नहीं है साथ में एक बंदा और है जो जानता है ऑलिवर को क्लियर एवरीबडी यस वेयर डिड द बेल एंड ऑफिसर गो फॉर रंज वेड्स हिल पर बेटा हिल है जिसका नाम है वेड्स हिल ठीक है यस ओके अभिषेक राज योर डाउट इज क्लियर्ड यस आगे बहुत ही बढ़िया चलो अंकिता सिंह हाय व्हाट इज हैक हैक नहीं बेटा हैक हेच सी के हैक होता है और हैक ना टैक्सी को भी कहते हैं हैक ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर कैब ड्राइवर एक ही बात है ठीक है फौजी गेमर क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो बताओ भाई तुषार चौहान आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हाउ डील इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रीटी ट्रीटी तो बहुत बड़ी खेल हो जाती है बेटा देशों के बीच में ट्रीटी होती है साइन होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है है डील 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 तो चल डन मैं तुझे ये दूंगा छोटी छोटी बातों का हो जाता छोटे छोटे अमाउंट भी कम होता है कभी कभी तो पैसे भी नहीं होते एक हाथ दे एक हाथ ले डील डन ऐसे बोल देते हैं तो ट्रीटी तो बहुत बड़ा खेल हो जाता है जब बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब लाइक लोग बहुत सारी चीजें करते हैं तब जाके ट्रीटी होता है ठीक है नवल किशोर हु इज हुन इवन वी डोंट नो हु इज डों ओलिवर लुटकिन अब पता चलेगा आगे जाके कहा है वो उसी को ढूंढ रहे हैं सब लोग अभी तक एक बच्चा आके पूछ रहा है कौन है लुटकिन मैं नहीं जानता हम भी नहीं जानते भाई क्योंकि जो क्लर्क निकला था ढूंढने अभी तक तो मिला ही नहीं उसको लुटकिन पूरा एक दिन खराब हो गया तो नहीं मिला तो अब क्या करेगा ये इसके चीफ ने इसको बहुत डांटा और भेजा एक और बंदे के साथ जो लुटकिन को जानता है अब देखते हैं क्या होगा ठीक है दे वर अगेन सेंट टू न्यू मिलियन विद ए हु न्यू लुटकिन एक ऐसे इंसान के साथ जो लुटकिन को जानता था ठीक है ये शिषिता सही का अब मजा आएगा क्योंकि अब मुंह लाल हो जाएगा ओ गॉड यार कभी कभी सच में भी कुछ लोगों के साथ ऐसे हो जाता होगा तो कहां मुंह ऐसी फीलिंग आती होगी ना चलो देखते हैं इसके साथ क्या होता है नाउ द रीच द स्टेशन अपॉन रीचिंग द स्टेशन द क्लर्क हैप्पीली पॉइंटेड आउट दैट बिल वॉज सच हेल्पफुल पर्सन टू हिम हेमर सर्चिंग लुटकिन स्टेशन पे पहुंचे ना तो बिल के साथ बिल वहीं पे खड़ा था जहां पहले कल खड़ा था स्टेशन पर मिला उसे तो ये जो क्लर्क है साथ में जिसको लेके आया था ना वो पता क्या बोलता वो जो लड़का है ना वहां उसने मेरी बहुत मदद की कल लुटकिंस को को ढूंढने में क्या कहा कहा इसने अपने कंपेनियन असिस्टेंट क्लर्क क्लर्क ने क्लर्क ने कहा कि वो जो आदमी है ना वो बिल है और उसने मेरी बड़ी मदद की ऑलिवर लुटकिंस को कल ढूंढने में एट दिस टाइम अब जाके पता चलता है रहस्य खुलने वाला है इस लेसन का भेद खुल जाएगा अभी देखो क्या है ट्रूथ सच पता चलता है और ये सच बताता है इसका कंपेनियन जो इसके साथ आया था और क्या सच बताता है ड्राइवर नन अदर देन ये बिल बिल ही Bill ही है ये बात बताई उसके साथ वाले बंदे ने क्योंकि वो तो जानता था उल्लू आया बड़ा मजा आया ऐसा हो गया इसके साथ सो बिल यानी कि ऑलिवर लुटकिन ने ही इसका बड़ा पोपट बना दिया बिल्कुल सही कहा आपने यस yes. कंपेनियन वॉज शॉक ओ मई गोद लुटकिन बिल्कुल सही रिएक्शन दे रहे हो आप लोग है ना यस यस ड्रैगन गेमिंग बहुत बढ़िया पोपट बन गया यस yes, क्षितिज अग्रवाल बहुत गंदा वाला पोपट बन गया ऐसा होता है कि ना पूरे दिन किसी के साथ हाथ में पार लेके जाओ और पता ही नहीं चला कि वो हाथ में हाथ जिसके था वो कौन था ओके सो इट्स वेरी सिली एंड सच में पोपट बनाए एप्रिल फूल लगाओ उल्लू लगाओ बेवकूफ लगाओ बट ये बंदा तो बन गया ठीक है कंपेनियन विवेक कुमार साथ ही होता है जैसे हम बोलते हैं हमें कंपेनियनशिप चाहिए अः कोई आपका कंपेनियन बनता है आपका गाइड बनता है जैसे अ बेकर फ्रॉम गोवा में जो पाड़ेर है वो उनका कंपेनियन बना बच्चों का कंपेनियन मतलब सुख दुख का साथी ही okay, ओके साथ में चलने वाला कंपनी देने वाला कंपेनियन मच बेटर ठीक है हादसा हो गया क्लर्क के साथ बिल्कुल सही कहा भूदेव आपने विवेक कुमार आई होप आप कंपेनियन का मीनिंग समझ चुके हो हाँ कैसा लगा मेरा मजाक सही है यार बच्चों तुम लोग ऐसे कॉमेडी करते रहो मस्त है सो so, फाइनली बात क्या हुई वही जिसका डर था सच पता चल गया सच बताया कंपेनियन ने कि बिल ही ऑलिवर लुटकिन है अब आगे क्या होगा आगे कुछ नहीं होना भाई आगे जो होना है वो ये है उससे मिलता है ठीक है उसके साथ चाय भी पीता है फिर एट दी एंड उसके साथ चाय भी पीता है एंड लेसन खत्म सो उल्लू बना दिया इसको अच्छे तरीके से यस ओके हूरिया खान बताइए बेचारे का पोपट बन गया यस yes. उसका विश्वास ही उठ गया होगा सही कहा आपने तो बताओ बेटा मुद्दे की बात इस लेसन की समझ आ चुकी है बनना पोपट था किसी का किसका पोपट असिस्टेंट क्लर्क का क्यों बना क्योंकि वो जिसे ढूंढने गया था जो कि ऑलिवर लुटकिंस वो बंदा ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने में मदद कर रहा था और उसका नाम था बिल मैग्निशन आखिर में पता चला कि बिल मैग्निशन ही ऑलिवर लुटकिंस है और ऑलिवर लुटकिन को ढूंढने के लिए हमारा एसिस्टेंट क्लर्क बिल के साथ कहां घूमा था ये याद रखना बिल को वो कहां मिला था ये याद रखना। चलो जल्दी से बताओ वेर शुरू हो चुका है जवाब दो कहा मिला आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर जल्दी बताओ स्वीट तुशार so कह रहे हम सबके कंपेनियन आप हो बिलकुल भाई कोई शक नहीं है इसमें तो यस हा ओलिवर को ढूंढते ढूंढते रो रहे हैं हम्म hmm. चलो भाई आंसर बताओ कहां मिला ये oh, सुशांत पाल कह रहा है ग्लिमसिस ऑफ इंडिया चैप्टर भी करवा दू सीक्रेट बताऊं बता दू जल्दी से बताऊँ जोर से बताऊं धीरे बताऊ धीरे से बता देती हूँ ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा दिया है ये ही सीक्रेट है अरे यार पहले पहले कराया था ढूंढ ले जाके मिल जाएगा ओके okay, यूट्यूब पे आ, प्लेलिस्ट में जाओ टर्म टू का पहला ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया ही था यस yes. चलो चलो जल्दी बता रहे हैं कि नहीं स्टेशन पे कौन से कौन सा हावड़ा स्टेशन पे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे तुम्हारे घर के सामने स्टेशन पे कहा पे कौन से गांव के स्टेशन पे नाम बताओ कॉफी टेबल हो काश ऐसा होता कॉफी कॉफी टेबल पे नहीं मिला था बेटा द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट भी हो चुका है बेटा पिछला लेक्चर वही था देखो रिचर्ड ई ब्राइट की कहानी बताई थी मैंने आरिश खान मिल जाएगा आपको ठीक है यस न्यू मिलियन के रेलवे स्टेशन पे ये भी बताना जरूरी है बेटा समझ गए बात को यस यस न्यू मिलियन बहुत बढ़िया सो सवाल का जवाब आपने दिया इस बात की मुझे खुशी हुई अब ना ऑर्डर में चलते हैं न्यू मिलियन के स्टेशन पे द हाइक ड्राइवर मिला उसने क्या उगलवा लिया उससे क्यों आया था किसको ढूंढने आया था पहले बता दिया इसने ऑलिवर लिटकिन पता है क्या कहाँ है ऐसे पूछ लिया उसने जाके असिस्टेंट क्लर्क ने तो फिर इसने रिटर्न पूछ लिया उगलवा लिया इससे कि क्यों आया है ऑलिवर लिटकिन को क्यों ढूंढ रहा है तो उसने बता दिया कि समन देने आया हूं विटनेस बनाने के लिए केस के लिए फाइन अब ये निकल पड़े सबसे पहले गए फ्रिड्स के यहाँ पोकर गेम खेल रहा होगा ये सोच के है ना फ्रिज ने क्या कहा गुस्ताफ के बारबर शॉप के यहाँ गया होगा गुस्ताफ ने क्या कहा नहीं यहाँ नहीं आया पूल रूम में सिगरेट्स लेते हुए देखा गया है ठीक है पूल रूम से फिर वो सिगरेट्स लेके कहा गया है इसने दिमाग लगाया हमारे हीरो ने की ग्रे की शॉप में गया होगा पर ग्रे की शॉप में भी वो नहीं मिला फिर उन्होंने लंच किया लंच कहा किया वेड्स हिल पे किया कहां से आया लंच? बिल की बीवी ने बनाया था है ना घर से लेके आया था वो उसके लिए लंच वेड्स हिल पे बढ़िया खाना खाया खाना खाया बढ़िया बातें शाते की व्यू को देखा मजे लिए यहाँ के बारे में सोचा बातें की एंड आखिर में फिर भी वो नहीं मिला था तो फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन उनका कहां पहुंचा अब उसके मम्मी के हाँ लुटकिंस के मम्मी के यहां पहुंचे अब मुझे बताओ लुटकिंस की मम्मी क्या लेके पीछे भागी थी जल्दी बताओ आंसर क्या हाथ में पकड़ के इन दोनों को मारने भागी थी आंसर क्विकली हरियन भदौरिया अभी आयो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता बेटा रिकॉर्डेड है देख लेना ठीक है वह अभी तो पूरा बताया मैंने यस ओ एंडलेस गेमर बढ़िया जी बढ़िया हॉट आयरन रॉड यस बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट क्लास कब है कम्युनिटी पोस्ट में अपडेटेड रहो पता चल जाएगा अगले हफ्ते करेंगे यार दो लेसन बाकी है उन दोनों को कंप्लीट करना है भोली और नेकलेस कर लेंगे खत्म हॉट आयरन रॉड बहुत बढ़िया डंडा लेके बेटा एग्जाम में तुशार डंडा लेके नहीं लिख सकते ना बेटा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा है ना तो हॉट आयरन रॉड लिखना पड़ेगा फाइन बहुत ही बढ़िया ग्रेट गोइंग तो so, भाई मुद्दे की बात हम सबको आ चुकी है समझ में मेन मेन बातें मैंने आपको बता दी है फाइन तो अब एक काम करते हैं क्वेश्चन टाइम विद पूछा मैम कुछ सवाल करें जो एग्जाम में आ सकते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करें करें पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं पता चल जाएगा कि तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है हम्म कैसे क्वेश्चन में कोई एग्जाम में पे क्वेश्चंस आएंगे है ना ड्रैगन गेमिंग एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा है मैम मगर जब वो पूछने जा रहा था तो सबने क्यों नहीं बताया कि वही है क्योंकि ओलिवर लुटकिंस खुद जाके बोल रहे है, है, हैं रहा था उसी के गांव के वो लोग हैं कि भाई बताना मत कि मैं हूं बोल देना कहीं गया हुआ है ओलिवर लुटकिंस जाके कहता है कि मैं कहा गया हूं बताना मत ठीक है वो गेम सा खेलता है ना बट अपने गांव वालों के साथ फाइन यस ग्रेट गोइंग ओके ड्रैगन गेमिंग सवाल का जवाब मिल चुका है आपका यस yes. यस yes, बिल्कुल तृप्ति खुशवाहा टाइम केमिस्ट्री क्लास कब है एक बच्चा पूछ रहा है सॉरी बेटा टर्म टू के दो लेसन केमिस्ट्री में जो आ रहे हैं क्लास टेंथ के बच्चों के लिए एक अपना पीरियोड क्लासिफिकेशन एक अपना कार्बन कमाउंट दोनों करा दिए दोनों अगर आप देखोगे सीरीज में जाकर अपना प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको प्रॉपरली वो लेक्चर्स कर लो एग्जाम्स टाइम पे और क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना ठीक है यस ओके okay, संपर्क शर्मा आई एम फाइन थैंक यू आपके कंसर्न के लिए तो चलिए है ना सवालों का वक्त आ चुका है सो क्वेश्चन टाइम विथ पूजा मैम सभी रेडी है तो थम्स अप दे दो मुझे ये चैप्टर आएगा बिल्कुल आएगा ये कोई पूछने की बात है ये चैप्टर बिल्कुल आएगा ओके यस चलिए ग्रेट बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे डिड यू रिमेंबर मी बेटा आप लोगों को याद ही रखते हैं भूल थोड़ी सकते हैं हम लोग जी के मोटिवेशन कह रहा है हैप्पी होली चल यार तेरी खुशी के लिए हैप्पी होली फाइन यस एब्सोल्युटली थम्स अप आ चुका है जेसिका की तरफ से यस yes, मैम कह रहे हैं दिव्यांशु ओके वाई द चैप्टर नेम इज ड्राइवर शाश्वत ये जो बंदा कैब ड्राइवर गाड़ी में घुमाए ना इसको हर जगह गाड़ी में घुमाए है ना हैक ड्राइवर इसलिए चलो आ चुका है बच्चों का सो so नाउ सोच समझ के दिमाग लगा के आंसर देना अब पता चल जाएगा किस किस बच्चे ने लेसन अच्छे से पढ़ रखा है ठीक है एनसीआरटी जिसने लाइन बाय लाइन पढ़ी होगी उसको देखो क्वेश्चन नंबर वन वेन द लॉयर रीच न्यू मिलियन डिड बिल नो देट ही फॉर लुटकिन बिल केम अपन फॉर फूलिंग द लॉयर बहुत अच्छा सवाल है ये यहां पूछा जा रहा है कि ये बात सच है कि बिल ऑलिवर लुटकिंस ने बिल बनकर उसको उल्लू बनाया है ना उल्लू बनाया बट कब और कैसे पता चला इसको कि उसका इरादा क्या है कब और कैसे पता चला कि उसका इरादा क्या है बताओ जल्दी ओके जीतू यादव कोई इग्नोर नहीं कर रहा आपको चलो बहुत बढ़िया चैप्टर का नाम गोलमाल होना चाहिए था सही है रे ओके सुनील कुमार आंसर बताओ बेटा हाँ जी वो न्यू मिलियंस ओलिवर लुटकिन को समन देने गया था ये बात उसने खुद ही बता दी थी देखो सबसे पहले जब वो गया रेलवे स्टेशन पर उतरते है उस बंदे के पास जा पहुंचा और पूछता है ओलिवर लुटकिन कहाँ है तो उस बंदे ने जो कि खुद ऑलिवर लुटकिन वो दिमाग लगाते हो ये कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है समझ रहे हो आप तो इससे मैं पहले बात निकलवाता हूँ फिर मैं बताऊंगा अगर मुझे ठीक आदमी लगा तो बता दूंगा वरना नहीं बताऊंगा तो उसने अपना तेज तरार दिमाग कनिंग जो था ही तो वो लगाया समझ रहे हैं बात को यस yes, बिल्कुल पवन कुशवाहा सही कह रहे हो आप ठीक है उसने जाते ही पहले ही बात ये पूछी कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं आई एम इन सर्च फॉर ऑलिवर लुटकिंस जैसे उसने बताया सर्च फॉर ऑलिवर लुटकिंस ऑलिवर लुटकिंस बोलो मुझे क्यों ढूंढ रहे हो भाई ये ऐसे सूट बूट सूट बूट में आया हुआ ये आदमी है कौन ये उसने पता कर लिया पता करने के बाद ये खुद थोड़ी जाएगा कोर्ट वोट के चक्करों में पढ़ना ही नहीं था इसको तो यही चीज हम आंसर में लिख देंगे नो बिल डेंट नो एनी अबाउट द लॉयर उसे पता कुछ नहीं था सपना तो थोड़ी आएगा उसको कि ऐसे मुझे एक दिन लॉयर आएगा ढूंढने नहीं है ना क्यों इट अ मैटर ऑफ चांस दैट ही वेंट हिमसेल्फ टू बिल अपने आप ही ये जा पहुंचा बिल के पास और पूछता है इंक्वायर्ड अबाउट ऑल इवर तो ऐसे आप लिख दोगे तो बिल ने अचानक से अपना प्लान बनाया कि लॉयर को उल्लू बनाया जाए जल्दी से उसने उगलवा लिया दैट द लॉयर ठीक है और क्योंकि उसने ऐसी बनाई कि फिर वो है 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 बहुत लोगों के बनाने उसने तब की तब की बढ़िया वाला बना लिया था ठीक मैसेज ऑफ दिस चैप्टर हरमीत कौर पूछ रहे हैं तेज दिमाग <laughs> किसी ऐसी प्रॉब्लम या एक ऐसी सिचुएशन है जो आप फेस नहीं करना चाहते आप कहीं जाना नहीं चाहते तो उल्लू बनाया जा सकता है लोगों को यस yes. <laughs> चलो बहुत बढ़िया ग्रेट हुआ खान रिप्लाई दिया मैंने आपको बेटा आई रिमेंबर यू एब्सोल्यूटली आई रिमेंबर बुरा क्यों मान रहे हो आप येस yes. साइंस का फोर्थ चैप्टर समझ नहीं आ रहा आएगा बेटा आएगा थोड़ा सा ना वो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो कुछ कुछ बच्चे नहीं होते एक जगह खड़े हो जाते हैं मैं नहीं हिलूंगा यहाँ से मैं नहीं हिलूंगा ऐसे तो थोड़ा सा वो चैप्टर है तुम में दम होना चाहिए थोड़ा दिमाग लगाओ हिल जाएगा समझ रहे हो आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो चैप्टर समझ आ जाएगा ठीक है यस बिल्कुल एंड्रॉइड स्पेशलिस्ट कह रहे हैं बोर्ड बूस्टर ओपी सही कहा आपने बोर्ड बूस्टर तो ओपी है ही, हाँ हम लोगों के लिए कैसी होली कह रहा है विवेक कुमार सही बात है भाई दुनिया के बोझ के तले इतना काम करना पड़ता इतनी पढ़ाई करनी पड़ती कहाँ हमारी किस्मत में होली है ना बेटा यू नो खुशियों के पल ढूंढे जा सकते हैं आई नो इज बिजी इन दिस वर्ल्ड अब काम भी कर रहे हो तो भी खुश हो सकते हो पता है मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ किसी के अच्छे के लिए कर रही हूँ मैंने होली नहीं बनाई बट मुझे पता है यू नो वी आर फॉर ईच अदर ना हम हैं और वो बहुत इनफ है बेटा जरूरी नहीं कि कलर लगाने से ही हैप्पी होली होती है दिल से हैप्पी होली हो सकती है राइट चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं लुटकेंस ओपनली टेक्स द लॉयर ऑल ओवर द विलेज हाउ इज इट दैट नो वन लेट्स आउट द सीक्रेट तो बेटा वही वाला सवाल जो बच्चे ने पूछा था कि ये खुल के इसको घुमा रहा है पूरे गांव में कोई बता क्यों नहीं रहा इसको हाँ जी बहुत ही, ही बढ़िया बच्चे बढ़िया बढ़िया डायलॉग मारते हुए ओके ग्रेट गोइंग इस चैप्टर का मैसेज बहुत मस्त है सही कह रहे हो आप थैंक यू वर्मा पोहा येस थैंक यू एवरीबडी फॉर ऑल द लव एंड गुड गुड कमेंट अब इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से ठीक है ये yes, एक बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है डोंट ट्रस्ट एनी बड़ी बहुत सही कहा कैन यू फाइंड अदर सच सटल वेस इन विच लुटकिन मैनिकुलेट द टोर तो बेटा जैसे ये बेटा यहां पर आपको ना फ्रिट्स में क्या हुआ वहां पहले पहुंच गया ये क्या हो गया पहले अब यहां पर क्लर्क भी था और बिल भी था ढूंढना लुटकिंस को किसको था क्लर्क को पर पूछने पहले कौन गया बिल बिल ने क्लर्क को एक घुटी पिला दी थी या एक बात समझा दी थी तो सूट बूट में आया है लोग पता नहीं घबरा जाए क्यों ढूंढ रहा है क्या है तो मैं जाता हूं मैं यहां का बंदा हूं मैं ढूंढ लूंगा है ना यस अफान आफा, शेख आपको कलर से एलर्जी है ऐसा कुछ नहीं बेटा बस एवी चलो पहले पूरे लुटकिन की बात बतानी पड़ेगी लुटकिन वेरी कनिंग मैन हु फॉर द लॉयर वो जो कहानी बताई इसने, ही सजेस्टेड हिम टू स्टे बिहाइंड क्या बोला उसने तो पीछे रह जाना ही सजेस्टेड हिम टू स्टे बिहाइंड इट वॉज लुटकिन ये अपना लुटकिन खुद जाता था यूज टू गो इन टू द वेरियस शॉप फर्स्ट ड्यू टू दिस नो वन कुड एबल टू आंसर द ट्रूथ एज ही वुड कम अप विद अपदर स्टोरी फॉर द विलेजर और मे टेक इन कॉन्फिडेंस वो जाके उनको अपनी बात मनवा लेता था कोई और कहानी सुना देता था समझ रहे हो अपनी बातों में उलझा लेता था समझे बात को यस ओके हरमीत कौर यू आर अ गर्ल नॉट अ बॉय ओके 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 फाइन एप्सोल्यूटली फाइन हरमीत एक्चुअली मैं एक लड़का है हरमीत जिसे जानती हूँ तो मे बी इसीलिए सॉरी डोंट माइंड ओके फाइन नाउ सो बेटा देखा ये बात लिख दोगे आप जब भी वो जाता था उसकी माँ के यहाँ भी जब गया वो एट हिज मदर्स प्लेस ही डिस्क्राइब हिज मदर एज वेरी हॉरेबल एंड देर ऑल्सो ही हिमसेल्फ एज बिल ड्राइवर टू हिज मदर एंड इंट्रोड्यूसिंग हर अबाउट द लॉयर हु सर्चिंग फॉर लुटकिंस हुआ जाके उसकी मम्मी को पता है इसने क्या बोला ये लॉयर हैं ये लुटकिंस को ढूंढने आए हैं तो लॉयर बोलने पर उसकी माँ तेज थी है ना और उसने पहले बता दिया कि इसकी मम्मी गुस्से वाली है पीछे पड़ जाती है है ना तो वही हुआ सो दिस मेड हिज मदर टू हेल्प हिम आउट एज शी न्यू दैट शी वॉज नॉट सपोज टू डिस्कलोज एनीथिंग टू द लॉयर उसकी माँ ने भी बात समझ ली जैसा इंट्रोडक्शन बिल ने दिया था ओके okay? so, सो इतना लॉन्ग लिखना तो पड़ेगा भाई पेपर में आंसर हर तरह के लिखने पड़ सकते हैं दो लाइन में बात नहीं बनेगी ना बेटा बात मुद्दे की पूरी बतानी पड़ेगी जितना एग्जाम्पल दे सको उतना बढ़िया दे, देख लेना पेपर में कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है उस हिसाब से आप आंसर करना ये सारी बातें लिखनी है या नहीं लिखनी है आप डिसाइड करो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन ठीक है सो स्वीट यकडा आप मेरे लिए आए हो आप क्लास नाइन्थ में हो कोई नहीं बेटा यू नो वट जब चीजें पहले एडवांस में हो जाएगी ना जब तुम टेंथ में जाओगे और तुम्हें लेसन मिलेगा ना तो बड़ी खुशी होगी कि मुझे तो थोड़ा थोड़ा आता है है ना येस yes. मैं एक बात बताऊँ आपको द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट इन अ क्लासरूम जब आप एक क्लास में बैठे हो आपको सबसे सब ज्यादा खुशी कब होती है जब टीचर पढ़ाने लगता है ठीक है और वो जब पढ़ा रहा है उसके बताने से पहले और तुम्हें अगर आंसर आता हो एक्साइटमेंट में जब तुम हाथ उठाओगे मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा जब टीचर क्वेश्चन पूछता है पूरे क्लास के बच्चे ए, आ, आ, और तुम यस आई नो आंसर वो कॉन्फिडेंस वो खुशी ना बेटा अलग ही है उस खुशी के लिए एक स्टूडेंट हमेशा मतलब पूरी क्लास में उसकी इज्जत बन जाती है यू नो वट सो जो चीज़ आपको अच्छे से आती है आप क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो कभी कभी पहले पढ़ रखा हो और क्लास में बाद में हो रहे हो तो, तो एक्सट्रीम अल्ट्रा लेवल खुशी है मैं प्रे करूंगी कि मेरे बच्चों को भी यह खुशी जरूर प्राप्त हो ठीक है हाँ सुनने के लिए आ जाते हैं स्टोरी सही है बा यार स्टोरी सुनने के लिए मजा आता है ओके <coughs> चलो बहुत ही बढ़िया चलो वेरी वेरी गुड चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं फिर बहुत बढ़िया ऑलवेज ओपी ग्रेट गोइंग अपना नाम ना बताकर ओलिवर को क्या फायदा होता ओलिवर को कोर्ट नहीं जाना पड़ा कोई केस में विटनेस बन के नहीं जाना पड़ा अपने घर में चिलैक्स किया उसने यही फायदा हुआ उसको है ना यस yes. चलिए अगला क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डू थिंक लुटकिन टू मीट द लॉयर अच्छा सवाल है ये पेपर पे भी आ सकता है चलो रक्षक सर कहा है वो अपने घर पे ट में एक और बता देती हूँ बनी हुई है गुड न्यूज ये कि टर्म वन में जो टू में आएगी ठीक है तो टर्म वन के सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल में करवा रखे आप वीडियोस देख सकते हो हाँ प्रैक्टिस के लिए आप जितने सवाल करो उतना बढ़िया है ठीक है यस यस बहुत ही बढ़िया फूल है गुलाब का चमेली ना समझ लेना मैम हम स्टूडेंट्स है आपके अपनी सहेली का मत समझना सही है यार तुम और तुम्हारे डायलॉग मस्त बहुत देर से बोल रहा है बच्चा तो उसको खुश करना ही था सो so को देखो आंसर तुम्हारे दिमाग में फिट हो रहा है कि नहीं देखो समझ रहे हो आप यस ओहो नींद लग रही है कोई नहीं जा रिकॉर्डेड देख लेना ठीक है लुटकिन लॉयर ऑल अक्रॉस द टाउन इन सर्च ऑफ लुटकिन

क्लर्क गया और सब ढूंढ रहा है सब जगह ढूंढ रहा है मिला नहीं और वापस चला गया अगले दिन जब वो आया तो ना नेबर्स को सबको पता चल गया और सब मजाक उड़ा रहे थे कि लुटकिन से लुटकिन को ढूंढ रहा है और ना सारे नेबर्स चाहते थे कि हम देखें उसको ठीक है यस बिल्कुल ओ oh, टीजर कह रहे हैं आंसर लिखते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है बेटा स्पेलिंग मिस्टेक यानी कि बिगेस्ट ब्लंडर है जो चीज़ तुमने पढ़ रखी है तुम्हें लेसन पता है मुद्दे की बात पता है कोई नई चीज़ में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो समझ में भी आता है जो चीज़ पढ़ रखी है उसमें कैसी स्पेलिंग मिस्टेक रहे भाई घर से पढ़ के गया है ऑलरेडी वो वर्ड देख रखा है पढ़ रखा है पता है स्पेलिंग मिस्टेक जाके करोगे तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी स्क्रू क्रुडीला है टाइट करो उसको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं ऑलरेडी देख रखे है ना बेटा अगर नहीं आती तो लिख के देखो ओके okay? यस yes. बच्चा एक बहुत स्वीटली कह रही है कि थैंक यू सो मच फॉर एफर्ट्स आप दोबारा दोबारा पढ़ा रहे हो बेटा आपके लिए कुछ भी यू नो वर्ड हमें भी अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं सेम चीज को पढ़ाने के लिए आप तक सही तरीके से वो रीच हो जाए वो थियरी देख के तुम घबरा ना जाओ सबके लिए मेहनत तो बहुत लगती है बट यू नो वर्ड जब तुम्हारे फेसेस पे प्यारी सी स्माइल आती है ना वो हम यहां बैठे फील कर पाते हैं कि तुम्हें चीजें समझ आ रही है तो वो फीलिंग ही अलग है चलिए अगला सवाल आफ्टर हिस फर्स्ट डेज एक्सपीरियंस विद फॉर ड्राइवर द लॉयर थिंग्स ऑफ रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ डू यू थिंक यू है ये तुम याद करो एक बार तुम याद करो एक बार पहली बार जब ये गया ना वहाँ के लोग वहाँ की जगह मस्त लग गई ना उसको वो ये तक सोच रहा था कि मैं यहीं आ जाता हूँ यहीं प्रैक्टिस कर लेता हूँ पहली विजिट के बाद उसको न्यू मिलियन इतना पसंद आ गया था असिस्टेंट क्लर्क को कि ये यह यहीं सेटल होना चाह रहा था बोरिया बिस्तर लेके आना चाह रहा था बट क्या सेकेंड विजिट के बाद भी ऐसा होगा वो दोबारा आना चाहेगा बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं ओके यस ओ पवन कुशवाहा कह रहा है मैम सेशन के बाद रेस्ट कर लीजिएगा आप थके हुए लग रहे हो गॉड थैंक यू फॉर दी कंसर्न बिल्कुल रेस्ट कर लेंगे यार तू कह रहा है तो ग्रेट चलो बेटा इस क्वेश्चन का मजेदार सा आंसर देखते हैं आप लिख पाओगे कि नहीं थैंक यू सो मच आदर्श बहुत प्यारा कमेंट है आपका थैंक यू सो बेटा अब पहले विजिट के बाद हाँ वो वहां प्रैक्टिस करना चाहता था और तो दूसरे विजिट के बाद बड़ा वाला कैपिटल में बड़ा बड़ा नो ऑब्वियसली नॉट बेस्ट इतनी हो गई उसकी वो क्यों जाना चाहेगा तो यही बात लिखेंगे यस ही मे हैव रिकन्सिडर्ड दिस आइडिया ऑफ प्रैक्टिसिंग लॉर्ड न्यू मिलेंस टेकन दिस डिसिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द नोबल एंड फ्रेंडली नेचर ऑफ बेल

यस ओके राज गेमर आप गलत स्पेलिंग लिख रहे हो पोकर पी ओ के आर गेम का नाम है बेटा स्ट्रेंज का मतलब अजीब बेटा स्ट्रेंजर अजनबी अजीब ओके okay. ओके okay, तुषार चौहान मेरा एक सवाल और है यार तू आंसर कर दे फिर मैं तेरा क्वेश्चन आंसर कर देती हूं पवन कुशवाहा क्लास बता दिया सभी को वन क्वेश्चन टू गो आठ बजे खत्म कर देंगे ओके okay? यस yes. बिल्कुल बढ़िया चलिए थैंक यू सो मच फॉर हैप्पी गुड गुड टेकन फॉर ए क्या लॉयर में कुछ दिमाग था भी कि नहीं वो कैसे बच सकता था बताओ बताओ जल्दी से आखिरी क्वेश्चन है ये जल्दी से इसका आंसर दे दो वेरी वेरी गुड तुम लोग कभी कभी तो बढ़िया दिमाग लगाते हो पर देखते हैं इस बार लगा पाओगे कि नहीं। पे क्या ने बोला वो सारी बातें मानता चला गया ऐसा नहीं होता तो बच्चे को उंगली पकड़ के कहीं भी ले जाओ तो वैसा वाला काम हो गया था इसके साथ जो बोले मानता जा रहा है यार थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया निकला थोड़ा भी देखना चाहिए ना यार जो बोल रहा है ठीक है कि नहीं क्रॉस चेक तो करना चाहिए था बट ऐसा नहीं किया

हम्म hmm? स yes. एक बच्चा पूछ रहा है पोकर बैड गेम है क्या बेटा कोई भी गेम ना गेम की तरह खेलो तो ठीक है लिमिट में खेलो ज्यादा अपना नुकसान ना हो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो ज्यादा एडिक्ट ना हो तो गेम गेम की तरह खेलो ना कोई भी गेम गलत नहीं है हाँ कुछ बच्चे होते हैं गेम में पैसे लगाने लगते हैं बहुत टाइम लगाने लगते हैं एडिक्ट हो जाते हैं वो गलत बात है कोई भी गेम गलत नहीं है आपको कुछ सीखने को मिलता है चेस से आपको सीखने को मिलता है कार्ड जो ताश का गेम होता है उससे भी सीखने को मिलता है पूछो क्यों Probability, statistics, सवाल बहुत बनते हैं जिसको कार्ड गेम आता है ना वो ऐसे कर लेता है सवाल मुझे नहीं आता था मुझे बड़ी दिक्कत हुई मेरे क्लास में फिर मैंने ना एक बार खेल के देखा थर्टीन थर्टीन कार्ड्स बांट किया अच्छा ये होते हैं ऐसे होते हैं पता चलता है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है बेटा चीजों से ठीक है yes, यस बहुत ही बढ़िया सो माई डियर स्टूडेंट्स आई होप आप समझ रहे हो है ना आप समझ रहे हो कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे मुद्दे की बात वही है ऑलिवर लुटकिंस ने बहुत बढ़िया तरीके से असिस्टेंट क्लर्क को उल्लू बना दिया बट फिर भी इसी बात को प्रॉपरली जो जैसे सवाल पूछा जाए उसके बारे में लिखना पड़ेगा विवेक तो कुमार पूछ रहे हैं अलग सर कहाँ है अलग सर एज यूजल हमारे भले के लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगा ही रहे होंगे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे अपने यहाँ है ना यस ही एक्ट लाइक स्मॉल चाइल्ड एंड बिहेव आई मीन डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन बिल बहुत सही का हाँ ये मत लिख देना बच्चा ठीक है बट ओवरऑल दिमाग नहीं लगाया इसने ठीक है यस सो डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आर डन सारे पांच सवाल हमने आंसर कर दिए आपको वॉरियर में नोट्स तो मिल ही जाने आप सभी को पीडब्ल्यू मोबाइल ऐप पे ठीक है ही शुड नॉट कंप्लीटली बिलीव बिल बिल्कुल सही कहा बट इसने बिलीव कर लिया है ना चलिए अब मैं थैंक यू बोल के निकलू आठ बज गए उससे पहले एक बच्चा सवाल पूछ रहा मैं कैसे लिखू एक आइडिया दू जब ये समझना है कि ना क्या लिखना है कैसे लिखना है तो तब तो, तो तब सॉरी सैंपल देखो तुझसे सही नहीं लिखा जा रहा कहां सही लिखा है वो देख ले सही कैसे लिखा जाता है वो देख ले बेटा आपको पता है ना क्वेश्चंस के आंसर्स सही आंसर्स आपको मिल जाएंगे उनको पढ़ो देखो अच्छा ऐसे लिखा जाता है जो काम मुझसे डायरेक्टली नहीं होगा किसी को करते हुए देख लेती हूं मैं वो काम तो फिर मुझे समझ आ जाता है अच्छा ये टेक्निक है और फिर टेक्निक फॉलो कर लो बेटा जब आपसे खुद नहीं हो रही है कोई चीज़ इसका मतलब तुम्हारा दिमाग ओन वर्ड्स बनाने में नहीं चल रहा है तो जहां पे ओन वर्ड्स बनाकर लिखा हुआ है कोई गाइड यूज कर सकते हो वैसे ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ ये देख सकते हो आप बेटा व्हेन यू आर नॉट गेटिंग समथिंग यू नीड टू ट्राई इट अगेन एंड अगेन एक ही बार में गिव अप नहीं करना है प्लीज़ समझो इस बात को ठीक है yes. यस बहुत ही बढ़िया आज मैं आप सभी बच्चों को बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहती हूँ और एक बच्चा कह रहा है मैम आप गॉड हो विवेक बिल्कुल भी नहीं हम तो एक तो इंसान हैं जो दिन रात आपके भले के लिए कोशिश और मेहनत करते रहते हैं भगवान तो वो ऊपर वाला बैठा है सबको अपनी विशेष दे रहा है ब्लेसिंग दे रहा है सब ठीक करता है गड़बड़ को संभालना भी उसी को पड़ता है सो so बिल्कुल गॉड वॉड तो बिल्कुल नहीं बेटा बट हाँ पूरा अपना दम लगा देंगे आप सभी के लिए उसमें कोई शक नहीं है ठीक है ओके ग्रेट गोइंग देन ईशा सिंह कह रहे प्लीज सिंग सॉन्ग

और काम ना करे हो ही नहीं सकता कुछ अगर टेक्निकल लिच भी है तो फोन ऑफ करो ऑन करो खुल जाएगा रे ठीक है यस yes. बहुत ही बढ़िया चलो देन निकले फिर आज के लिए बस इतना ही आई होप यू ऑल आर हैप्पी खुश yes, यस एकदम डाउट पूछिए बेटा कोई डाउट आप लोगों को कुछ पूछना तो प्लीज पूछ सकते हो आई एम हियर ओनली हर्ष जैन पूछ रहे हैं, मेरा प्री बोर्ड है मैं कैसे तैयारी करूं तो हर्ष एक काम करो सबसे पहले पूरा सिलेबस तुम्हारी आंखों के सामने लिख डालो लिखने के बाद प्यार से देखो कौन सा मुझे आता है कौन सा मुझे नहीं आता जो आता है उसके आगे टिक लगाओ जो नहीं आता उसके आगे काटा मार दो जो भी टिक लगाया ना उसको घोट के पी डालो उसमें से एक भी गलती नहीं होनी चाहिए कृपया करके एक गलती ना करें कि जो आता है उसमें गलती ना करें बहुत बच्चे बेटा क्या करते हैं ना जो नहीं आता उसके लिए ना मम्मी पापा मेरे से आंसर नहीं हो रहा ऐसे डरते रहते हैं जो आता है वो भी बिगाड़ देते हैं पहले कॉन्फिडेंटली जो आता है वो लिख डालो आप सोचो आपके पेपर में पहले दस सवाल सारे सही है टिक 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 एग्जामिनर को मजा नहीं आ जाएगा टिक मारते हुए आ, बाद में थोड़े सवाल गड़बड़ इधर उधर भी हुए तो एटलीस्ट उसका इंप्रेशन इतना बढ़िया बन गया है कि तुमने अगर मुद्दे की बात लिखी है तो मार्क्स दे देगा सो माय डियर स्टूडेंट्स बी बी कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट एंड हाउ विल यू जो आता है वो इतने अच्छे से आना चाहिए कि पेपर में छप जाना चाहिए सो आई होप इस सजेशन से आपको हेल्प होगी पेपर में पहले वो लिखो जो आपको कॉन्फिडेंटली आता हो और जो आता है उसको बढ़िया तैयारी कर लो कि पेपर में गड़बड़ ना हो ठीक है यस ओके देन फाइन एवरीबडी चलते हैं हो 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 कुछ बच्चे ना यार मजा आता है मुझे ये सोच के मतलब एग्जाम टाइम है पढ़ाई करनी है इतना कुछ चल रहा होता है लाइफ में और तुम्हें ना ऐसा कि भाई टीचर नाम ले ले इसके लिए तुम कुछ भी पूछ देते हो आपका क्या नाम है पूछ रहा है एक बच्चा <laughs> यस चलो देन आई थिंक वी शुड टेक अ मूव ओके कार्तिक ओके प्रहलाद मिश्रा ओके okay, विवेक कुमार लेटर राइटिंग का भी वीडियो है बेटा देख लेना मिल जाएगा ठीक है फॉर्मेट देखो और मुद्दे की बात लिख डालो ठीक है यस ओल्ड इज गोल्ड बेटा जिसका जहां ध्यान उसको लगाने दे अपन अपना बेस्ट दे देते हैं दूसरे के बारे में तुम सोचोगे तो फिर दूसरे क्या सोचेंगे तुम अपना सोचो ना रे वट पीपल थिंक गिव इट अ डैम हमें क्या करना है जो आप सोचते हो जो आप करते हो वो मैटर करते हो सोचना एक बार तुम रोज रोज ये सोचती रहे कि वो क्या सोच रहा है वो क्या सोच रहा है वो क्या सोच काम ही नहीं कर पाएंगे है ना यस, ओके देन, वेरी वेरी वेल डन ओके जय किशन दीक्षित ओके देन चलते हैं। सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम वंस अगेन हैप्पी 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 होली मेरे तुम्हारे सब के लिए हैप्पी सी होली सो गाइस सभी को बढ़िया वाली दिल से हैप्पी होली आई होप ये आने वाला साल हमारी लाइफ में खुशियों वाले रंग सक्सेस वाले रंग रेस्पेक्ट वाले रंग भरता रहे हमें जो चाहिए हम लाइफ में वो हासिल कर सके अच्छे से मेहनत कर सके और फिर उसका फल दो तो एंजॉय कर ही सके सो माई डियर स्टूडेंट्स उन सभी बच्चों को बहुत 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 सारा प्यार एंड गुड विशेष जो हमारा साथ यूं ही बनाए रखते हैं है ना यस पोएम्स होंगे हाँ ऑब्वियसली होंगे ग्रेट गोइंग देन इस द लास्ट क्लास नहीं बेटा दो क्लासेस और बच गई हैं वॉरियर्स के दो लेसन बाकी हैं ठीक है एक है भोली एक है नेकलेस जल्द से जल्द खत्म करवा देंगे ठीक है यस सो गाइस बता दीजिए जरा जाने से पहले आज का लेक्चर कैसा लगा एक घंटे में मैंने ऑलमोस्ट सेवन फाइव पे मैं आई थी और एट फाइव हो चुका है दी हैक ड्राइवर की मेन मुद्दे की बात आपको समझ आ चुकी है हैक ड्राइवर कौन था किसने किसको उल्लू बनाया उल्लू बनाते वक्त कहाँ कहाँ वो गए थे आखिर में कैसे पोपट बना ये पता कैसे चला ओके यस थैंक यू सो मच आदर्श बहुत ही बढ़िया चलो फिर मेहनत करते रहो मिलेंगे जल्द ही आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए ओके okay, ये लास्ट क्लास बिल्कुल नहीं है वॉरियर्स की दो क्लासेस और बाकी हैं बाकी मैंने सारे लेसन्स करा ही दिए हैं ठीक है यस ओके देन चलते हैं फिर ओके okay. अच्छा चलते हैं हमेशा तुम याद रखना पढ़ते पढ़ते भी यार तुम काम करना लिखना जरूरी है बहुत ही ज्यादा ये बात भूलना नहीं है तुमको मेरे यारा बच्चों पढ़ रहे हो ना बहुत अच्छी बात है किताबों के पेज घुमाने से नंबर नहीं मिलने वाले पढ़ने से मार्क्स नहीं आते बेटा लिखने से मार्क्स आते हैं सो एवरीबडी आउट हियर वट एवर योर फीलिंग की डाउटफुल है मुश्किल लग रहा है नहीं हो पाएगा तुम जब पढ़ते हो तो तुम्हें पता होता है कि तुमसे क्या हो पाएगा और क्या नहीं हो पाएगा जैसे ही लगे कि ये मुश्किल लग रहा है लिख डालो एक बार में होगा दो बार में होगा तीन बार में हो जाएगा हर मुश्किल चीज को आसान बनाने की जिम्मेदारी आपकी है बार बार-बार प्रैक्टिस करो लिखो मुश्किल चीज आसान हो जाएगी सो so चलिए फिर इसी, के साथ, इसी के साथ, I hope आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल चुका होगा सो विध ऑल दिस पॉजिटिविटी लेट्स जल्दी दिस इज पूजा मैम साइनिंग ऑफ टेक केयर एवरीबडी बाई बाय